केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राजनांदगांव में हुए दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में जुबानी जंग तेज हो गई है। राजीव भवन में पत्रकारों से चर्चा करते हुए प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने शाह से प्रश्न पूछा है कि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कार्यकाल में हुए भ्रष्टाचार को लेकर वह और उनकी सरकार मौन क्यों है। साथ ही केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए भाषण देने का आरोप भी लगाया। सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राजनांदगांव में बिरनपुर मामले में सांप्रदायिक तनाव भड़काने के लिए योजनाबद्ध तरीके से भाषण दिया है। हम चुनाव आयोग से अपेक्षा करेंगे कि वह स्वयं संज्ञान ले और शाह पर कार्रवाई करे। कांग्रेस पार्टी भी इसकी शिकायत चुनाव आयोग से करेगी। मित्रों, आज भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह राजनांदगांव आए थे। राजनांदगांव में वे डॉक्टर रमन सिंह जी और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की नामांकन रैली में शामिल हुए। देश के गृह मंत्री भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में से एक अमित शाह ने आज राजनांदगांव की सभा से छत्तीसगढ़ की फिजा को खराब करने का काम किया, छत्तीसगढ़ में सांप्रदायिक तनाव को भड़काने का काम किया, छत्तीसगढ़ की गंगा जमुनी तहजीब पे प्रहार करने का काम किया। देश का गृहमंत्री जब आदर्श चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करता है तो देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि चुनाव आयोग इसका स्वयं संज्ञान लेगा और अमित शाह के ऊपर धार्मिक विद्वेष भड़काने के आरोप में कार्रवाई करेगा। अमित शाह का भाषण छत्तीसगढ़ में धार्मिक विद्वेष भड़काने वाला था। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी ने भी निर्णय लिया है कि अमित शाह के खिलाफ हम चुनाव आयोग में शिकायत करेंगे। दूसरी बात, अमित शाह एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के समान ईडी के रट्टू तोते की भांति ईडी के द्वारा लिखी गई झूठी पटकथा को पढ़ रहे थे। देश की सबसे ईमानदार सरकार, मैं अंडरलाइन करके कह रहा हूं कि देश में जितनी भी राज्य सरकारें हैं उसमें सबसे ईमानदार सरकार छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार है। हमारी जितनी योजनाएं चलती हैं उसमें 100% उन योजनाओं में राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में जाती है, चाहे राजीव गांधी किसान न्याय योजना हो, चाहे राजीव गांधी कृषि मजदूर ग्रामीण न्याय योजना हो, गोधन न्याय योजना हो, हर योजना में हमारी धान खरीदी की योजना हो या किसान ऋण माफी की योजना हो, लगभग 2,00,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने सीधे किसानों के खाते में डाला है। ऐसी ईमानदार सरकार के ऊपर ईडी के द्वारा लिखी गई पटकथा के आधार पे बड़ी बेशर्मी पूर्वक अमित शाह भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगा रहे थे। अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे, छत्तीसगढ़ धान का कटोरा है। इस वर्ष राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि हम अपने किसानों का प्रति एकड़ 20 क्विंटल धान खरीदेंगे। इस वर्ष हमने लक्ष्य निर्धारित किया है कि हम 125 से लेकर 135 लाख मीट्रिक टन धान खरीदेंगे, तो स्वाभाविक है हमारे धान से चावल भी ज्यादा बनेगा। केंद्र सरकार ने हमसे MOU किया था, केंद्र सरकार की मजबूरी है राज्यों से अनाज लेना अपने वेलफेयर स्कीम चलाने के लिए। उन्होंने हमसे MOU किया था कि हम छत्तीसगढ़ से 86 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे, लेकिन जैसे ही हमने लक्ष्य निर्धारित किया कि हम 135 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदेंगे, एक चिट्ठी आ गई कि हम आपसे मात्र 61 लाख मीट्रिक टन चावल लेंगे। कर्नाटका को देने के लिए इनके पास चावल नहीं है। कर्नाटका सरकार 35 लाख मीट्रिक टन चावल केंद्र से लेना चाहती है अपने यहाँ वेलफेयर स्कीम के लिए पैसा दे के, बोलते हैं हमारे पास स्टॉक में चावल नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास सरप्लस चावल होने वाला है, लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर दुर्भावना के कारण छत्तीसगढ़ से चावल नहीं लेंगे। और अमित शाह चुनावी समय में भी आके चावल के बारे में एक शब्द बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए कि छत्तीसगढ़ के चावल को कोटा को क्यों कम किया गया। भ्रष्टाचार पर बड़ी बड़ी बातें करने वाले अमित शाह यह बताने का साहस नहीं दिखा पाए कि अडानी की सेल कंपनियों में
20,000 करोड़ का पैसा किसका लगा हुआ है? अमित शाह आज की सभा में शायद रमन सिंह के भ्रष्टाचार को याद कर रहे थे, अमन सिंह के एटीएम को याद कर रहे थे, डॉक्टर साहब मैडम सीएम एसोजिया रेसिडेंसी वाली मैडम को याद कर रहे थे। रमन और उनके मंत्रिमंडल के 1,00,000 करोड़ के भ्रष्टाचार पर अमित शाह की बोलती क्यों बंद थी? यदि अमित शाह वास्तव में भ्रष्टाचार के इतने खिलाफ रहते तो उनके बाजू में बैठे हुए रमन सिंह जेल की सलाखों के पीछे होते। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने एक नहीं, दो बार, तीन बार, चार बार पत्र लिखा है ईडी और प्रधानमंत्री को, लेकिन साहस नहीं हुई केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की कि वह छत्तीसगढ़ के नान घोटाला की, पनामा पेपर घोटाला की, चिटफंड घोटाला की ईडी से जांच करवा पाए।